जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जिलाजज गाजियाबाद को जिलाजज गाजियाबाद को पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, जिलाजज गाजियाबाद को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के गाजियाबाद में वकीलों पर पुलिस के लाठी चार्ज के बाद आंदोलन के रास्ते पर गए वकीलों के आंदोलन का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 22 जिलों के वकीलों ने हड़ताल कर सड़क जाम किया और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इससे पहले यूपी के 72 जिलों के वकीलों ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की रणनीति बनाई। 16 नवंबर को गाजियाबाद में अधिवक्ता महासम्मेलन करने का निर्णय लिया है। तब तक यदि वकीलों की मांगे न मानी गई तो यह आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। जिला जज एवं दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित वकीलों ने सोमवार को हापुड़ रोड पर जाम लगा दिया। वकीलों के लंबे जाम से आवागमन के लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्ट करना पड़ा। वकील जज को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं। बताते चलें, वकीलों पर 29 अक्टूबर को पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। लाठी चार्ज के विरोध में वकीलों ने कचहरी के सामने हापुड़ रोड पर जाम लगा दिया है। बृहस्पतिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकीलों की हुई बैठक में सोमवार से प्रतिदिन 2 घंटे के लिए एक रोड जाम करने का निर्णय लिया गया है। इसी निर्णय के तहत सोमवार को वकील सड़क पर बैठ गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने हापुड़ चुंगी और पुराने बस अड्डे से वाहनों को दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया है। वकीलों ने कबीनगर वाली सर्विस रोड भी ब्लॉक कर दी है। एडीसीपी यातायात पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक हापुड़ चुंगी, पुराने बस अड्डे और नए बस अड्डे से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। आंदोलन तेज करने के लिए बार एसोसिएशन ने व्यापारियों, उद्यमियों समेत दूसरे जिलों की बार एसोसिएशन से सहयोग मांगा है। लाठीचार्ज की घटना के बाद दिवाली की छुट्टियों के चलते कोर्ट बंद थी। 4 नवंबर से कोर्ट खुलने के दिन से गाजियाबाद के वकील हड़ताल पर चले गए। कचहरी में ही वकीलों का धरना चल रहा है। लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग, वकील और जिला जज को बर्खास्त करने और लाठी चार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। 8 नवंबर को कचहरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकीलों की हुई बैठक में तय किया गया है कि इन सभी जिलों में वकीलों की मांग माने जाने तक हड़ताल रहेगी। बताया जाता है वकील 16 नवंबर को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पूरे यूपी के वकीलों की गाजियाबाद में होने वाली बैठक की तैयारी में जुट गए हैं। बार सचिव अमित नेहरा का कहना है कि 16 नवंबर को होने वाली बैठक में बड़ी संख्या में वकीलों के आने की उम्मीद है। जिलाधिकारी को भी बैठक की सूचना भेज दी गई है। बता दें, 22 जिलों के वकीलों की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया था कि हाई कोर्ट बेंच, केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के सभी अधिकार आंदोलन जारी रहने तक बार एसोसिएशन गाजियाबाद को दिए गए हैं। अब गाजियाबाद से ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों के आंदोलन से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में गाजियाबाद समेत मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, शामली, बागपत, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, एटा और बिजनौर समेत 22 जिलों के वकील मौजूद रहे थे। बताते चलें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 22 जिलों में सोमवार से वकीलों की हड़ताल शुरू हो गई है। यह प्रदर्शन गाजियाबाद जिला जज के खिलाफ उठाई गई वकीलों की मांगों को लेकर हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से गाजियाबाद की कचहरी में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। वकील प्रतिदिन 2 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें,
कि इस आंदोलन से वेस्ट यूपी के 22 जिलों में लोगों की परेशानी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वकीलों के विरोध प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई प्रभावित हो रही है। 16 नवंबर को गाजियाबाद में अधिवक्ताओं की महापंचायत बुलाई गई है। माना जा रहा है तब तक वकीलों की मांगे यदि न मानी तो यह आंदोलन यूपी समेत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक फैल सकता है। बताते चलें कि 29 अक्टूबर को गाजियाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह और जिला जज के बीच कोर्ट में तीखी बहस के बाद वकीलों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी थी, जिसमें कई वकील घायल हो गए थे। इसके बाद वकीलों के विरुद्ध दो मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। तब से वकील जिला जज के ट्रांसफर और लाठी चार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई करने को लेकर अड़े हुए हैं। सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अवस्थी ने आई इंडिया को बताया कि वह वकीलों के साथ हैं। 16 नवंबर को महापंचायत तक यदि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न हुई तो सीतापुर के वकील भी आंदोलन में कूद जाएंगे। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।